कि अगर 10,000 कमेंट आए या 2,00,000 लाइक आए तो हम इस बाइक का नाम विनोद रख देंगे। जन्माष्टमी, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अहिताभा जी अकेले नहीं आए हैं, बारिश लेके आए हैं। बिल्कुल, इमेजिन करो 6 बजे सुबह हम लोग जब रेडी खड़े हैं यहाँ पे बारिश हो रही है। क्या करके मानोगे? ओहो, टी शर्ट पे तो गौर ही नहीं किया हमने। H2 मतलब हर बंदे की जिंदगी में H2O की बहुत ज्यादा ना अहमियत है। H2O मतलब वाटर, यार यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। नहीं अच्छे से दिखाओ ना। कावासाकी रेसिंग टीम 200 200 200, इट इज लाइक दैट। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया सी। आपने इंस्टाग्राम पे ये वाला फोटो देखा होगा मेरा। So, Jason, so this is the diary to write new dreams. मतलब अब आगे भी तो पढ़ना है ना, कुछ नया सोचना है ना, तो ये है खन्ना जी की डायरी। एंड अब आपका सवाल आएगा कि हम लोग कैसे ले सकते हैं ये सारी चीज, तो लेट मी टेल यू दोस्तों, वी आर प्लानिंग टू रीलॉन्च द जेसन नेशन वेरी सून। कोविड की वजह से हमने वो काम भी थोड़ा स्लो कर दिया था, धीरे धीरे, मतलब कि एक तरह से रुक सा गया था, अब उसको दोबारा से चालू करेंगे। My dear Boosa, आज तेरा नंबर आ गया भाई। आज वैसे तीनों बाइकों का नंबर आ गया, तो अभी वैसे मैं यहाँ से चला रहा हूँ, बट खन्ना जी चलाएंगे बूसा क्योंकि अभी निकालनी है H2। पाजी चलाएंगे हमारी परी टेनर, और तीनों बाइकें लेके हम लोग जा रहे हैं एक्सक्लूसिव शूट करने के लिए इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि भाई तीनों बाइकें फ्रेम में होनी चाहिए, तीनों बाइकों के साथ में एक ब्लॉग बनना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल परी हो ना हो, है ना भाई? जाने वाले को कौन रोक सकता है, परी का फ्यूचर खतरे में है। इसीलिए हमने सोचा भाई अहिताभ पाजी को आज बुलाते हैं, आज छुट्टी वाला दिन है, जन्माष्टमी का दिन है। ये देखो भाई, पुत्र बूसा ते बापू साइकिल ते। व्हाट्स अप लवली पीपल, क्या बात है चाचा जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू भाई? तूने देखा कभी मैंने किसी बाइक की इतनी केयर करी हो? तीन तीन लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब मिट्टी से बचाने के लिए। नहीं यार, आई एम वेरी सॉरी, आज तू थोड़ी सी गंदी हो जाएगी, और पीछे ट्रेल आईडी तो है नहीं, तो भाई यहाँ तक मिट्टी आएगी, यहाँ तक। चलो भाई H2, तुम्हें बाहर निकालने का समय। इज्जत इज्जत जेसन, इज्जत, थोड़ी इज्जत प्लीज। अरे विनोद की H2 है क्या? और अगर 2,50,000 आए तो मैं खन्ना का नाम विनोद रख दूंगा मैं। मजाक हो रहा है भाई। खन्ना जी बोल रहे हैं कि अगर 10,000 कमेंट आए या 2,00,000 लाइक आए तो हम इस बाइक का नाम विनोद रख देंगे। अगर 2,50,000 लाइक आ गए तो इसका नाम विनोद रख देंगे। पूरी वीडियोस में सिर्फ विनोद बोलेंगे। ओ ये तापा जी, जस्ट जोकिंग जस्ट जोकिंग, बट अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं स्टिकर जरूर लगा देंगे हम, है भाई। ट्रैक्टर हो गया स्टार्ट। आए बूसा इज लव मैन, ओमीगो द माइटी H2, लेट मी चेज द H2। खन्ना जी, खन्ना जी का डर निकालना भाई। खन्ना जी बहुत डर रहे थे, कह रहे मैं टेनर चला लूंगा, भूसा दे दो अहिताभ पाजी को और आप चलाओ H2। मैंने कहा भाई तू चला H2, लास्ट संडे में मैं बोलता बोलता थक गया, चला लो टेनर जैसी है, लाइट बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है। भूसा इज लिटिल हैवी बट भूसा इज लव, सीरियसली ऑसम। तो बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों की कोई चीज नहीं आती है जिंदगी में, आप पुरानी की अहमियत भूल जाते हो, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ। अभी मैं भूसा चला रहा हूँ इतने दिन के बाद ना, I can feel that bhai Boosa is Boosa yaar, main bahut khush hu Boosa ke sath, I'm very very happy, and look at the lovely bikes man, dono hi bike hai, actually tino hi bike hai na, apni league ki na champion hai man, main to hamesha se hi kehta tha jaisi jaisa koi nahi, kya hal hai bhai ke? तो भाई लोगों आप समझ गए हो कौन हमारा शूट कर रहा है और आज क्या होने वाला है, तहलका मचेगा। इससे पहले आपने देख लिया बंदे का आउटपुट यार, क्रेजी क्रेजी। तो अपनी तीनों बाइकें यहाँ पे भाई,
वाओ। आए कन्ना जी, उस दिन कितना डर रहा था, आज डर निकाल दिया इसका मैंने। पाजी कर दिया मैंने कैमरा ऑन, क्या बोल रहे थे जल्दी बताओ। ओ पाजी, आज खन्ना की खुशी देखते हैं, लोगों की खुशी हेलमेट के बाहर कभी दिखी है? इसके हेलमेट के अंदर दिख रही थी। ये अनोखा राइडर है, ये अनोखा राइडर है, ये अनोखा राइडर है जिसको हमने ना हेलमेट के अंदर भी खुश होते हुए देखा है। ये हर बाइकर का ड्रीम है और इस एज में चला रहा था भाई। इस एज में कम है मेरी दिखती। ये लड़का हमारा नाबालिग है, ये बढ़ता बच्चा है, ये हमारा बढ़ता बच्चा है। एनीवेज हम लोग पहुंच गए द्वारका में, मतलब ये द्वारका जगह है, द्वारका नगरी है, बट दिस इज नॉट दैट एक्चुअल द्वारका नगरी, बट जन्माष्टमी वाले दिन हम लोग यहाँ हैं और सनी का वेट कर रहे हैं और सनी को हमने ऑर्डर कर दिया है, वो हमारी टेंडर को ले गया। तो अभी क्या है, सनी आ रहा है, सनी लेके आएगा घर से चाय पकौड़ा नाश्ता हमारा। प्यास भी लगेगी भाई, गर्मी बहुत है, बहुत ह्यूमिड है, सुबह में बारिश हुई आपने देखा और अभी तो बहुत तीखी धूप निकल आई है। एनीवेज क्या आपकी नजरें यहाँ जा रही हैं क्या? ओह माय गॉड, तो ये भी पूछ रहे थे, मैंने कहा तुम्हें कैमरा में बताऊंगा। लाइट वेट है और देखो कितने आराम से फिट हो रहा है, इसको पहन के भागो दौड़ो कोई टेंशन नहीं है। पबजी वाला प्लेन, पबजी वाला प्लेन भाई, इतनी पबजी चल रही है ना दिनों रात, में क्या बताऊं। बट हम लोग खेलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, बट खाना जी खेलते हैं मोबाइल पे। तो लेट मी टेल यू, इसका एक यूनिक फीचर ये है, इसके अंदर में लो लेटेंसी भाई, गेमर्स के लिए ना ये ड्रीम है बस फिर तो, एंड इसको इस्तेमाल करना चाहिए, आपको पता लगेगा गोली कहाँ से चल रही है, जल्दी पता लगेगा, जल्दी जल्दी मार पाएंगे। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे मतलब संडे राइड के बाद डिलीवर हो गए थे और आज वेनेसडे, तो दो दिन मैंने यूज किया है। फेयरली बोलूंगा कि भाई जो बेस है वो बहुत अमेजिंग है, आप लिरिक्स भी ना बहुत अच्छे से पकड़ पाते हो और जो अलग अलग बीट्स है ना उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस, दिस लुक्स वेरी कूल। ऊपर से बड़ी बात पता क्या है, मीवी इज अ इंडियन ब्रांड, राइट? यस यस। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ूंगा, चेकआउट कर लेना, सारे फीचर्स के बारे में डिटेल ले लेना। मुझे पर्सनली मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अमेजिंग, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल सनी को फोन लगा दो यार। ओ विनोद, ओ भाई चाय नाश्ता कहाँ है भाई? विनोद लेके आ रहा, तू विनोद नहीं है? ओह माय गॉड, मेरे को लगा आज विनोद आएगा 800 में। वैसे हमने इनको बोल दिया, खन्ना जी ने बोला, मैंने बिल्कुल नहीं बोला है, मैंने बोल दिया वो होगा। खन्ना जी के पता क्या कह रहे हैं, कह रहे अगर इस वीडियो पे 200,000 लाइक आ गए तो बाइक का नाम 200,000 लाइक और 10,000 कमेंट। ओ भाई साहब, विनोद की बंदा 10 बार कमेंट करे ना हो पाएगा भैया, ना हो पाएगा, करके दिखा दो भाई, करके दिखा दो। और इन्होंने ये भी करा था कि 2.5 लाख, कितने 2.5 लाख लाइक आ गए तो मेरा नाम विनोद, मेरा नाम विनोद, मैं विनोद, मेरा विनोद का H2। एनीवेज मतलब मस्ती हो गई बहुत ज्यादा, अभी लेट हो रहा है, चले भाई तैयारी है। ये मनी मन गाली दे रहा, कह रहा 8:30 मेनू बुला लिया, 7 बजे हूँ, 8 बज गए ने और मैं एनजे खड़े हैं, कदों करेंगे शूट, धूप आ गई, ओवर ब्राइट हो गया। तो चलो भाई इसको रखते हैं कैमरा, थोड़ी देर शूट कराते हैं, आपको मिलता है थोड़ी देर में। ओ मी गो, वहाँ पे कितनी बाइक्स खड़ी हैं? 4 बाइक्स। कौन सी सबसे अच्छी है, जैसे अंकल की? Yes. ये तो इसको भी H2 काफी पसंद आ रही है दोस्तों। देखो यहाँ पे ड्रीम कीज एक है, ये H2 की, उसके बाद भूसा एंड देन दी टेनर, एंड आई गेस मतलब Z800 की भी एग्जैक्टली सेम है। और पीछे में जो 4 बाइक्स खड़ी है ना, देख के मतलब ड्रीम गोल्स वाली फीलिंग आ रही है। ऐसी पार्किंग होनी चाहिए जहाँ पे इस कैटेगरी की बाइक, ओहो ये यश की बाइक इधर खड़ी है और बाकी अपनी बाइक इधर खड़ी है। हमारा शूट हो गया था थोड़ी देर पहले, हियर इज द बूस्ट, देन दी Z800, देन दी H2 एंड लास्टली दी ZX10R, दी माइटी 10R। ऐसा कर यश यार, तू ये ले ले, कोई भी बाइक ले ले, अपनी बाइक दे दे मेरे को यार, प्लीज यार प्लीज, ये मैं चलाऊंगा भाई, मैं चलाऊंगा प्लीज यार। ब्रेक व्रेक से काम कर रही है ना, सही है तो भाई ऐसा है, निकलने की तैयारी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है बाहर। बट अभी एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, वो ये है कि मैं और खन्ना जी की बाइक पे जा रहे हैं, वो होगी भूसा एंड हैप्पी, क्योंकि इनको H2 चलाने को मिल रही है और जो अपनी 10R है परी है अभी आइडियल राइडर के पास खड़ी कर रहे हैं, एंड जब टाइम आएगा आपको बताएंगे। कुछ कुक रहा है ऑलरेडी है ना, अमेजिंग कुक के मुक चुका है, फोटोग्राफी करता है भैया तो फॉलो करने का बनता है, इसका काम चेकआउट करो, फोटोज मेरी भी देखो जरा इंस्टाग्राम पे, सपोर्ट करने का निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा खुश तो ये है, ये कह रहा है भाई हफ्ते में एक ऐसी पार्टी हो जानी चाहिए। हाँ भाई क्या खाया अभी तुमने पार्टी में? बर्गर खाया। कौन सा बर्गर खाया था?
पता नहीं इसको पता नहीं इसने कौन सा बर्गर खाया था, बट इसको पार्टी का मजा आ गया। हमें दो बार बोल चुका है कि यार जेसन अंकल आप ना हफ्ते में एक बार आएगा, ऐसी पार्टी करेंगे हम लोग, बर्गर खाएंगे। तो चलो भाई निकलते हैं और आपको मिलते हैं सीधा मोटरसाइकिल पे। लेट्स गो कन्ना जी, अपनी बेल्ट लगा लो, सीट बेल्ट लगा लो प्लीज। देख लो आखिरकार भूसा ही काम आ रही है आपको घर ले जाने में। अब एक बार जरा कन्फेस कर लो कि भूसा जैसा कुछ नहीं है भाई लोग, जो कंफर्ट है ना यहाँ पे पिलियन के साथ में भी कोई दिक्कत नहीं है। पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की, बोलता ना वो बादशाह। हाँ एनी डे, ऑल दो इंजन वही है 998 सीसी है, बट इट इज जस्ट मोर ट्यून्ड मोर अग्रेसिव। सीटी सुनाई देती है राइडर को, तो सीटी सुनाई देती है, कई बार हमें भी सुनाई देती है अगर तू आसपास आके इसको मतलब थोड़ा सा थ्रॉटल देगा, सो इवन वी कैन लिसन। बहुत लाइट है, 10 आर से भी लाइट फील होगी ये, क्योंकि वैसे शायद 238 केजीज की है, बट बहुत सारा वेट शेड हुआ हुआ है यहाँ पे, एग्जॉस्ट हटा हुआ है, कार्बन पार्ट्स लाइट होते हैं, बैटरी भी जो इसमें है, जो बैटरी इसमें शीटों की बैटरी डली है, लिथियम आयन बैटरी, वो भी ट्रैक ओरिएंटेड है, मतलब वो भी वेट शेड करती है काफ़ी। सरप्राइज अभी नहीं आएगा, महीना लगेगा अभी। दोस्तों एक दो चीज़ें हम अपनी मर्जी से मंगा रहे हैं और लगवाएंगे इसके अंदर में, बट उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, बट डेफिनेटली वी विल कीप यू पोस्टेड। बट ये जो चमक रहा है ना अभी देखो, कार्बन, धूप के अंदर में सिर्फ कार्बन ही कार्बन चमक रहा है बाइक के अंदर में, एग्जॉस्ट कार्बन, वो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, आगे का पूरा कार्बन। चलो लेट्स टेक द राइट। हाय दिल कर रहा है मैं H2 को चेस करूं, मतलब नजरें नहीं हट रही, और अपना जो सिग्नेचर लगा हुआ है जेसन, दैट इज लाइक ऑल्सो स्टैंडिंग आउट मैन ऑन द विंडस्क्रीन। भाई एक गाड़ी चार्ज हो गई, जाने दो जाने दो जाने दो, हमें कोई जल्दी नहीं है तेज चलाने की। ओ पाजी सीटी तो सुना दो। बट एक बात है, खासियत है अजय पाजी की, बहुत ना रिस्पॉन्सिबली राइड करते हैं, बहुत फास्ट भी नहीं करते, बहुत रैश भी नहीं करते, एकदम डिसेंट राइडर है। मैं इनको जानता हूँ लगभग 2015 से 16 से हम पहली बार मिले थे ग्रुप में, इनकी मेरी और एक मेरा भाई अतुल, तीनों की एक सिंगल डे में एक ही दिन की राइड थी, पहली बार हम वहाँ पे मिले थे, और हमारे पास होती थी 650 सीसी कैटेगरी की बाइक, और वहाँ से आपने देखा है कि ग्रोथ कैसे हुई। इसने ली 10R, मैंने ली Z800, उसके बाद 10R नहीं भूसा, फिर 10R, फिर अभी H2। सो यू नेवर नो यार दोस्तों, आपको किस मोड पे जिंदगी में कौन मिल जाएगा। जैसे खन्ना जी तो हमारे मीटअप पे आए थे, खन्ना जी बर्गर खाने आए थे फ्री का, और देखो जिंदगी में चिपक गए हमारे साथ, पीछे बैठ गए हैं भाई बन के हमारे, सही है। सो दैट इज अ ब्रदरहुड दोस्तों, सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड अच्छी संगत में रहो, जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। सही है। सो हमारी तो एक तरह से संडे राइड हो गई मैन, है ना, एंड काम का काम हो गया, काम इतना बढ़िया हुआ ना कि मेरा तो दिल खुश है। मेरी एक इच्छा थी बहुत टाइम से, जब अपने पास Z800 भी थी ना तब भी मेरा दिल करता था एक दिन Z800 को, 10R को और भूसा का शूट करें, बट चलो देर है दुरुस्त है। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, सो देखो ऐसा है अगला दिन है, कल क्या हुआ ना, मतलब मैंने दिल से दिल की बहुत सारी बातें करी, और अभी पता लगा जब मैं एडिट कर रहा था बहुत सारी फाइल्स हो गई खराब, सो अभी एंडिंग दोबारा ले रहे हैं। बट जाने से पहले आपका दोबारा थैंक यू कर दूंगा यार, पिछले 5 वीडियोस ना बैक टू बैक गूगल के ट्रेंडिंग पे, मतलब यूट्यूब की ट्रेंडिंग पे चल रही है मैन, थैंक यू। ये भी एक टाइम पे सपना था कि यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स, हर वीडियो मिलियन में, पिछली 4 या 5 वीडियो मिलियन में दोनों चैनल में, तो भाई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। बट हाँ, जिसकी वजह से खुशी मिल रही है उनका थैंक यू करना बनता है, दिल से थैंक यू दोस्तों, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, एंड आई होप ये वीडियो भी आपको बढ़िया लगा होगा। सो प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका एंटरटेनमेंट पूरा अच्छे से करूं, आपको अच्छी बातें सिखाऊं, अच्छी बातें बताऊं, एंड पॉजिटिव वे में आपको मैं इंस्पायर करूं कि यार देखो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। जो चीजें मेरे लिए एक टाइम पे पॉसिबल नहीं थी, सोच के भी डर लगता था, जैसे अभी देख लो मिलियन व्यूज ऑन ऑल वीडियोस, H2 नॉट ओनली H2, 3 बाइकें एट द वेरी सेम टाइम, मतलब बहुत बड़ी बात है। एक बाइक लेना भी एक टाइम पे ना डर लगता था सोच के कि मैं ले पाऊंगा, बट वो हुआ,
हुआ बट एटलीस्ट मतलब जो मैंने किया है मैंने सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करी ना, मतलब मैंने तो आगे किसी को नहीं देखा बट जो जो मैंने किया आपने मेरे साथ में देखा, एक्सपीरियंस किया, फील किया एंड आई होप कि सबको ना ये जो फीलिंग है ना ये कम्युनिकेट अच्छे से हुई हो। मैं कभी किसी को डाउन नहीं करना चाहता, किसी को मैं डीमोटिवेटेड नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे पता है ऐसी चीज़ें कई बार आप देखते हो जो अभी आपकी रीच में नहीं है, आपको बुरा भी लगता है ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों फोकस करो, मेहनत करो और कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ना यार। सिर्फ अगर आप घर बैठ के सिर्फ बातें करोगे या किसी को क्रिटिसाइज करोगे तो वो कहीं नहीं जाएगी, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे आजकल हम टाइम वेस्ट करें पबजी खेल के, बट काम करते जाओ, फोकस रखो और उस पर भरोसा जरूर से रखना, इतना ही कहना था। बाकी कल जो बोला था ना मैंने बहुत अच्छा बोला था बट होता है कई बार, डिजिटल लाइफ हमारी ऐसी है कि डेटा कई बार रिकॉर्ड नहीं होता है, कई बार होता है तो आवाज़ अच्छी नहीं आती। अभी करेंगे वीडियो यहीं पे क्लोज, मेहनत मेरी रहमत उसकी और प्यार आप सभी का, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय, आई एम बैक अगेन। तो अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, एक चीज तो मैं बताना भूल गया था भाई, दूसरे चैनल पे भी वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब जब ये वीडियो आप देख के खत्म करोगे तब तक दूसरे वीडियो भी आ जाएगा दूसरे चैनल पे, तो भाई वहां भी प्यार देना ना। 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, वहां को 3 करा दो फटाफट से। और अगर आपको देख रहा है फोटोग्राफी जो हमने एक्चुअल शूट कराया था, काफी फोटोज मेरे पर रिसीव हो गए हैं, तो मैं डालने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, आईडी आ रहा है स्क्रीन पे। थैंक यू वंस अगेन, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।